अक्सर अपने बयानों को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। कमलनाथ सरकार की तारीफ करवाने के लिए जीतू पटवारी एक बुजुर्ग महिला को लेकर मीडिया के सामने आए, लेकिन जीतू पटवारी का ये दाव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। कमलनाथ सरकार की तारीफ करने की जगह पर बुजुर्ग महिला ने सरकार की कमियां सबके सामने लाकर रख दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार में जीतू पटवारी जोरों शोरों के साथ लगे हैं। रविवार को इंदौर में मीडिया को संबोधित करने के दौरान जीतू पटवारी एक बुजुर्ग महिला को अपने साथ लेकर आए। पटवारी ने कहा, ये हमारी दादी हैं, ईमानदारी से बताना आपको हमारी सौगंध है, मैं आपका पोता हूँ। कमलनाथ सरकार की क्या क्या कमियां हैं? जैसे ही जीतू पटवारी का सवाल खत्म हुआ, दादी ने कहा, बहुत कमियां थी। इस पर पटवारी ने पूछा, क्या कमियां थी? तो दादी बोली, बहुत कमियां थी। क्या कमियां थी ये तो याद नहीं, लेकिन कमियां बहुत थी। जीतू पटवारी ने बुजुर्ग महिला से तुलसी सिलावट को लेकर सवाल किया, क्या तुलसी सिलावट ने सही किया? इस पर बुजुर्ग महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा, मैं ये सब नहीं जानती। हालांकि महिला के जवाब को सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। किसी तरह से जीतू पटवारी ने माहौल को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। आपको बता दें, पूरी तरह से जीतू पटवारी बीते काफी वक्त से चर्चा में हैं। जीतू पटवारी को लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही हैं। जीतू पटवारी की किरकिरी भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सांवेर की बुजुर्ग दादी से जीतू पटवारी ने तुलसी सिलावट को फटकार लगवाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर उनका ये दांव उल्टा ही पड़ गया। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।